नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम विंटर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट क्रिसेंथिमम के केयर टिप्स के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि क्रिसेंथिमम को कैसे इजी ग्रो किया जा सकता है। क्रिसेंथिमम गुलदावरी ऐसा परमानेंट ब्यूटीफुल फ्लावर प्लांट है जो सिर्फ विंटर में फ्लावरिंग करता है, मगर परमानेंट आपके गार्डन में बना रहता है और आपकी गार्डन की ग्रीनरी को बढ़ाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं सबसे पहले इसके पॉटिंग सॉइल की। तो इसे वेल्डन मीडिया बहुत पसंद है। जब भी आप इसके पॉटिंग सॉइल बनाएं, तब आप इसमें 50% सॉइल, 30% सैंड और 20% गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर इसकी सॉइल तैयार कीजिएगा। ऐसी सॉइल में यह प्लांट बहुत ही अच्छे से सरवाइव करते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं इसकी वाटरिंग की, तो इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए, मगर इसकी सॉइल में हमेशा नमी बरकरार रहनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे मिट्टी में हल्की नमी है, ऐसे सॉइल में यह प्लांट बहुत ही अच्छे से सरवाइव करते हैं। और इनके फ्लावरिंग के टाइम में हमें इनकी वाटरिंग की ज़्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी मिट्टी ड्राई हो गई तो इसके फ्लावर अधिक समय तक के आपके गार्डन में नहीं रहेंगे, ये जल्दी ही ख़राब हो जाएंगे। और समर सीजन में हम इसकी थोड़ी सी केयर करके इसके मदर प्लांट को बचा सकते हैं, और अगले विंटर सीजन में हम इसके न्यू कटिंग से न्यू प्लांट रेडी कर सकते हैं। और बात करूं मैं इनके फर्टिलाइज़र की, तो इसमें गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट 15 दिन में देने चाहिए, और इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र वीकली बेसिस पे देने चाहिए, तभी यह प्लांट अच्छे से आपको विंटर भर फ्लावरिंग प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस प्लांट में इस तरह के छोटे छोटे कीड़े और वाइट मिली बग का अटैक बहुत ज़्यादा होते रहता है। इसके लिए हमें वीकली बेसिस पे नीम ऑयल और साफ फंगीसाइड स्प्रे करते रहना चाहिए, जिससे इस तरह के माइट्स का अटैक इन पर बहुत कम। और बात करूं मैं इनके प्रोपेगेशन की, तो यह प्लांट कटिंग से इजीली ग्रो हो जाते हैं। इनकी इस तरह से सॉफ्ट कटिंग लेकर हमें सैंडी सॉइल में लगा देना चाहिए, जिससे यह इजीली ग्रो हो जाते हैं और इनके बेबी प्लांट्स नीचे से हमेशा सरवाइव करते रहते हैं। दोस्तों, क्रिसेंथिमम के फ्लावर हम डिफरेंट डिफरेंट कलर और वैरायटी में हमें नर्सरी में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और यह इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। यह हमें नर्सरी में सिंगल पेटल, डबल पेटल, मल्टी कलर्स में, मिनिएचर वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी में उपलब्ध होते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पर किसी और नए वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।